हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अमेजोन पे एंड यूजिंग अमेजोन पे इन 2021। सो 2021 में स्टेप इन प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और अमेजोन पे का यूज़ करके अमेजोन पे के थ्रू आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को का जो पेमेंट है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टेप एंड जो प्रोसेस है एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा टेक्निकल टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आजकल का जो टाइम है वो पूरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिस्टम का टाइम है। तो ऐसे में आपको भी एक तरीके से एज अ डिजिटली ग्रो होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं, आप अपना गैस सिलेंडर का बिल, मोबाइल रिचार्ज का बिल, वाटर का बिल, जो भी है आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पे कर सकते हैं इस डिजिटल ऐप के थ्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ। अब यहाँ पर मैं ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मे न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना चाहते हैं या तो कर रहे हैं अमेज़ॉन पे के थ्रू। तो अमेज़ॉन पे का कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है। अगर अमेज़ॉन पे को आपको एक्सेस करना है तो अमेज़ॉन के एप्लीकेशन है उसमें ही आपको जाना है और वहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अमेज़ॉन पे के डिजिटल पेमेंट ऐप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले और भी टॉपिक कवर किया है इस टॉपिक को लेके। मैंने अगर आपको जानना है कि पेटीएम के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गूगल पे के थ्रू किस तरीके से पे करना है, फ़ोन पे के थ्रू अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से पे करना है, तो तीनों के रिलेटेड भी मैंने टॉपिक कवर किया है। आप जाके डायरेक्टली मेरे वीडियो सेक्शंस में चेक इट आउट कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी मैं अमेज़ॉन पे के थ्रू आप किस तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं यही मैं आपको कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे तीन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। पहला आपका कंज्यूमर नंबर, जो कस्टमर के नंबर होता है। सेकंड, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और जो थर्ड है वो है आपका बिलिंग यूनिट नंबर, जो कि 4 डिजिट का होता है। तो ये तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना चाहते हैं। अब वो अमेज़ॉन पे पे हो या गूगल पे पे हो, पेटीएम पे हो या फोन पे हो, किससे भी अगर आप करते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, तो यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमर नंबर, कंज्यूमर नंबर और बिलिंग यूनिट नंबर, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी कंपनी का है वो। ये तीन चीज़, और ये तीनों भी चीज़ आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पता चल जाएगा। तो आपको कहीं पर जाके ऑनलाइन सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीनों भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर है कि आपका कंज्यूमर नंबर यानी कि ग्राहक क्रमांक, वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के टॉप साइड में मिल जाएगा, जो 12 से 13 डिजिट का ये नंबर होता है। एज यू कैन सी, ये है ग्राहक क्रमांक, जो ये नंबर है। अब दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से कंपनी का है, वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ही मिल जाएगा। जैसे कि मेरा है महाराष्ट्र का, तो यह है महावितरण। जैसे कि मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर महावितरण। अब तीसरा नंबर है बिलिंग यूनिट नंबर, जो कि 4 डिजिट का आता है, वो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। एज यू कैन सी दैट, तो ये है आपका बिलिंग यूनिट नंबर, विच इज़ हर एक कस्टमर का अलग अलग बिलिंग यूनिट नंबर होता है। ये बिलिंग यूनिट नंबर मतलब एक एरिया का कोड होता है, उस एरिया के कोड के थ्रू, यानी कि जैसे कि जो स्टेट है, स्टेट में सिटी है, सिटी में एरिया है, तो ये एरिया का कोड होता है। तो हर एक एरिया का अलग अलग बिलिंग यूनिट नंबर होता है। तो यहाँ पर जो मैं एरिया में रहता हूँ, वो एरिया का बिलिंग यूनिट नंबर ये है, तो आपके एरिया का अलग बिलिंग यूनिट नंबर होगा। सो कीप इन माइंड, तो तीनों चीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पता चल गया है। अब डायरेक्टली आपको जाना है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, और यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑप्शन मिल जाएगा। एज यू कैन सी, जस्ट आपको इस पर टैप करना है। सो टैप करने के बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा वो है सिलेक्ट स्टेट, यानी कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं वो आपको चूज़ करना है। जैसे कि मेरा है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र ऐप पे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, देन सेकेंड नंबर आता है सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू प्रोसीड,
तो मैं इस पर टैप करता हूँ, यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी कंपनी का है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको जो अमेज़ॉन पे है उसमें आपको इतना ही ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मेरा महाराष्ट्र है, तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए आपको यही ऑप्शन चूज़ करना है। तो लेट्स मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आता है कंज्यूमर नंबर। तो जो मैंने आपको कंज्यूमर नंबर बताया जो आपके बिल पे शो करता है ग्राहक नंबर, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो कि 12 से 13 डिजिट का होता है। तो लेट्स मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आता है बिलिंग यूनिट नंबर, जो मैंने आपको बताया था 4 डिजिट का बिलिंग यूनिट नंबर, वो यहाँ पर इंटर करना है। दैट्स इट। तो लेट्स मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पर मैंने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सी कंपनी का है वो यहाँ पे चूज़ कर लिया है। सेकंड कस्टमर नंबर यहाँ पर इंटर कर लिया है, साथ ही में जो बिलिंग यूनिट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ आपको प्रॉपरली फिल करना है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपको ईजिली मिल जाएगा। सो कीप इन माइंड। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये फैच बिल वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, ताकि आप नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड हो जाओ। अब यहाँ पर ये है कस्टमर की आईडी, कि अगर आप यहाँ पर पूरा राइट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितना भी आपका बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपको यहाँ पर शो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा शो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल 930 रुपीज़, जो कि एग्जैक्टली राइट है। ये बिल जनरेट हुआ था 17 मई को, वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, और साथ ही में इसका ड्यू डेट भी शो करेगा कि इसका आखिरी डेट क्या है भरने का। तो ये दो तीनों पेजेस आपको मिल जाएगा, साथ में जो कस्टमर नेम है वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा कि ये जो बिल है ये बिल किसके नाम पर है, वो भी आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा 930 का बिल आया है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, इसका 930 का बिल है, एज यू कैन सी दैट। तो लेट्स मैं अभी यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ एंड देन कंटिन्यू पर टैप करता हूँ। एज यू कैन सी, उसके बाद यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अमेज़ॉन पे पे कोई भी UPI क्रिएट किया है उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यहाँ पर सेव करके लिंक करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना जो डिटेल है वो पेमेंट का, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर लिया है। तो डायरेक्टली मैं कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ। सो फाइनली मेरा यहाँ पर जो पेमेंट है, तो लेट्स मैं यहाँ पर दूसरा पेमेंट ऑप्शन यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरा पहला पेमेंट यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। एंड देन यहाँ पर मैं अदर पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। लेट्स मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर टैप करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक चूज़ करना है, कौन से बैंक है आपका। तो यहाँ पर मेरा है, मेरा जो बैंक है वो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड देन कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो उसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके अगर आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपको आपके बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब डायरेक्टली यहाँ पर आपको अपना नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इंटर कर लेना है। सो लेट्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ, डायरेक्टली मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब डायरेक्टली मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करूँगा। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP आएगा एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो लेट्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ पेमेंट का। सो मेरा जो पेमेंट है वो कम्प्लीट होने आ गया है। एज यू कैन सी मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है 920 रुपीज़, एज यू कैन सी दैट। तो फाइनली मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अमेज़ॉन पे के थ्रू, अमेज़ॉन पे का यूज़ करके, एज यू कैन सी दैट। जैसे आप अमेज़ॉन पे का यूज़ करके अपना बिल पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर
आपका पूरा समरी शो करेगा विद द कंज्यूमर नंबर ट्रांजेक्शन आईडी। अगर इन केस अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बिल जनरेट होता है और आपका डबल बिल आ जाता है तो आप ऐसे में कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इस ट्रांजेक्शन आईडी का यूज़ करके अपने अपने उस बिल कंपनी के पास जा सकते हैं, वहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन आईडी आपको शो कर देना है। बट ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है, ऐसा तो कभी आज तक होता नहीं है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल पेमेंट ऐप का यूज़ करके आप पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक या दो दिन के अंदर आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंपनी है उस उनके सिस्टम में शो हो जाता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो जैसे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे की तरफ से मैसेज भी आएगा, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट इज़ सक्सेसफुल 92 रुपीज़। एज यू कैन सी दैट। सो आई होप आपको जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अमेज़ॉन पे का यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कंप्लीट करना है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है, कुछ भी डाउट होता है, यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट, वहाँ पर आकर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।